भाई बारिश के बाद भाई कभी ना ये रोड बिल्कुल पक्का हुआ करता था भाई, धर्मशाला आना पक्का पड़ गया हमें भाई, गाड़ी के अंदर पानी ना आ जाए बस। तो भाई अभी हम पालमपुर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में बाल क्यार भाई बहुत खराब हो गए, तो थोड़ी देर में पालमपुर पहुंच जाएंगे। पालमपुर से फिर हमें 20-25 किलोमीटर और आगे जाना है धर्मशाला के लिए, और अप्रोक्स हम 10 की बजे तक धर्मशाला पहुंच जाएंगे। फिर दिखाते हैं आपको धर्मशाला। तो अभी तो आए हैं हम, मतलब मैं ऑफिस के ही काम से आया हूँ, तो चलो देखते हैं, मिलाते हैं आपको, एक नए लड़के से भी मिलाएंगे। ये देखो पूरी हिलती हुई जाती है यहाँ से। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से आया था भाई, यहाँ तो मोटा ही जाम लगा हुआ था, मतलब यहाँ गाड़ियाँ चढ़ नहीं रही थी ऊपर को, बड़ी मुश्किल से उस दिन हम निकले थे यहाँ से। ये पुल से लेकर वो ऊपर तक बहुत सारा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ फंस गई थी यहाँ पे, क्योंकि ये पुल ऐसा है कि अगर यहाँ दो बड़ी गाड़ियाँ एक साथ आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये पूरी जो खड है ये पूरी आई हुई थी। अब ये नया पुल बन रहा है, जब तक ये नहीं बनता तब तक तो भाई यही दिक्कतें रहेगी यहाँ पे। ये रे भाई, तभी हम पहुँच गए थुल, और यहाँ से पालमपुर जाता है 15 किलोमीटर। हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला, तो अभी हम बैठे हैं यहाँ बतिस्टा कैफे और सुबह की मॉर्निंग चाय के साथ। बाकी अभी आ रहा है लड़का, तो उससे मिलेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर काम करते हैं। और फिर घूमने का तो भाई ऐसा रहता है कि टाइम ही कम होता है हमारे पास, नहीं तो आपको दिखाते धर्मशाला। अब मैं तो एटलीस्ट कम से कम चौथी बार आ बैठा हूँ। बाकी दिखाएंगे फिर आपको रूम जहाँ हम रुक रहे हैं, और मिलते हैं फिर शाम को वहीं। आप बारिश देखो धर्मशाला के रोड, और इन रोडों पे हमारी ऑफ रोडिंग हो रही है भाई, बस पत्थर ना आ जाए कहीं। और देख भाई लोग पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ, फंस गई है पूरी। ये देखो भाई पानी, भाई गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकली है भाई, नीचे को भी इतना ही पानी है। ओ बंपर अंदर तो जाएगा पानी भाई? नहीं यार, चलो अंदर तो नहीं आएगा, पर पानी ने तो पूरे हाल कर दिए भाई, पूरे भीग चुके अभी तो भाई। धर्मशाला आना पक्का पड़ गया हमें भाई, गाड़ी के अंदर पानी ना आ जाए बस भाई। ये देखो धर्मशाला में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं, पानी मतलब बोनेट तक आ चुका है। तो गाइस अभी हम हो चुके हैं तैयार और निकल रहे हैं रूम से, अभी जा रहे हैं सिमटा, तो देखते हैं शाम को भी शायद यहीं आए वापस। ये चेक करो हम जहाँ रहते हैं, ये 205। बाकी ऐसे में पिछली बार गुजर रहा था जो बाहर वाला रूम है, बाकी ये होम स्टे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सारे रूम्स ही है, तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं सिमटा, जो सिमटा है वो आपका चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री में पड़ता है, मतलब काफ़ी सही जगह है, लोकेशन है, तो अभी जा रहे हैं वहीं पे। और अभी रास्ते में हमारे साथ होगा स्नोवर, जिसको आप शायद कल भी मिले थे, कल के ब्लॉग में भी आपने देखा होगा, कल के ब्लॉग में नहीं मतलब ब्लॉग के थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा। तो भाई कल जब बारिश हुई है ना भाई साहब, आप पूछ नहीं सकते भाई साहब, मैंने आपको वीडियो डाली हुई है भाई, देखना उसको भाई। मेरे को तो लगा भी गाड़ी तो पूरी जाएगी आज भाई, उसमें पत्थर थे भाई साहब इतने बड़े बड़े नीचे। पर चलो फाइनली हम वहाँ से निकल गए और अभी जा रहे हैं सिमटा के लिए। मौसम आज साफ़ है तभी जा रहे हैं, नहीं तो हम आज यहीं रहते हैं। तो चलो मिलते हैं आगे, और तब तक मैं अपना सॉन्ग लगा लेते हैं। तो आपको पता है मेरा सुबह उठते जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरा पहला सॉन्ग यही लगता है, शिवा मेरे, आप ज़रूर सुनना, काफ़ी अच्छा है, पूनम भारद्वाज का। वैसे तो अभी हम पहुँच रहे हैं धर्मशाला, और यहाँ देखो भाई मौसम आज काफ़ी सही बना हुआ है भाई, कल तो इतनी बारिश हुई है यहाँ कि पूछो ही नहीं। और अभी हम जा रहे हैं, ये सीधा चला जाता है आपका धर्मशाला मैकलोडगंज, ये यहाँ से आगे, और अभी हम जा रहे हैं शाहपुर के लिए, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से नीचे।
भाई तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सियुंता और हमारे साथ है स्नोवर जी। और स्नोवर भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई। और स्नोवर जी हमारे साथ पहली बार आए हैं अभी घूमते फिरते, तो उनको दिखा रहे हैं चंबा की वादियाँ। पहुंच चुके हैं हमारे ऑफिस, यहाँ अभी ऑफिस खुलेगा, जैसे ही वो आ जाएंगे फिर थोड़ी देर काम करेंगे और उसके बाद निकलते हैं फिर वापस। फिर देखते हैं, या तो आज धर्मशाला ही रुकेंगे, नहीं तो नाइट में निकल जाएंगे घर। हमारे स्नोवर जी भाई यहाँ बन चुके हैं पूरे सिक्योरिटी। तो भाई अभी हम वापस जा रहे हैं घर को, तो ये देखो भाई बारिश से क्या बुरे हाल हुए हैं। ये देखो तो ये रोड बिल्कुल ही बंद है, पूरी पहाड़ी ही आ गई थी ऊपर से। अभी आगे भी दिखाऊंगा आपको कहां पर क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें। भाई तो ये है बोटा चौक, यहां से चले जाते हैं बोटा में, और यहां पर लगी है बहुत सारी चीज़ें, ये देखिए। आ जाओ देखते हैं। तो भाई फाइनली अभी हम घर पहुंच चुके हैं और मेरे नौकर आ चुके हैं सामान उठाने, है ना? है भाई, सामान क्या क्या रह गया? तो भाई काफ़ी लंबा टाइम लग गया हमारे को आते आते, मतलब सुबह चला था मैं, सुबह चला था भाई मैं 8 बजे, तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 12। फिलहाल कपड़े सारे ऐसे ही फेंके हुए हैं, मिठाई के डब्बा ये और एक ये बैग। तो फिलहाल सफाई सफुई का काम भी हो चुका है पूरा यहाँ पे, ये सारी जगह कर दी है साफ, और जो मेन सादा काम था वो यही था नाली का बनाने का, बाकी अब चलते घर के अंदर। भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।